हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एच एम ट्वेल्व। तो भाई आज हमारे सामने आप देख रहे हो हीरो एक्सट्रीम 160R 4V और हाल ही में हीरो ने इस वाले बाइक में बहुत बड़ा एक अपग्रेड किया है। यहाँ पे अब इस वाले बाइक में अब आपको मिल जाता है 4V जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। पहले ये वाली बाइक आपको 2V में आती थी, अब 2V और 4V में बेसिक आपको डिफरेंसेस क्या है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो 4V इसका मतलब है कि इसमें आपको अब 4 वाल्व हो जाते हैं, पहले के टाइम में आपको 2 वाल्व आती थी। अब उस वजह से यहाँ पे इस गाड़ी की रिफाइनमेंट, ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल जो ड्राइविंग वाला जो एक्सपीरियंस निकल के आता है ना, वो अब और पहले से ज्यादा इनहांस होकर आया, तो वो एक सारी चीज है। बाकी यहाँ पे अगर इस वाली गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे नीचे डिस्प्ले पे आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी इसके एक्स शोरूम प्राइसिंग। एंड अगर आप लोग पुणे से हो भाई तो आप सभी को पता है किधर आना है। शायद हीरो के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे, तो अगर आप लोग पुणे से हो, हीरो का कोई प्रोडक्ट लें तो यहाँ पे आप आके विजिट कर सकते हो। बाकी ऑन रोड प्राइसिंग पुणे में क्या चल रही वो भी आप नीचे आप स्क्रीन पे अपने आप देख सकते हो। एंड इस वाले बाइक में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो आपको सेगमेंट फर्स्ट मिलती है, उन सारी के बारे में बात करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले इस गाड़ी के एक प्रॉपर वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट में मिल जाता है कंप्लीटली एलईडी में, आपको जो हेडलाइट है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है, जिसमें आप यहाँ पे दो आपको यहाँ पे जो DRLs है वो मिल जाते हैं। एंड आपको लो बीम पे ये वाली काम करती है एंड हाई बीम पे आपकी ये वाली काम करती है। एंड आपको जो इंडिकेटर्स है वो भी आपको यहाँ पे एलईडी में मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे कंप्लीटली एक एलईडी वाला जो सेटअप है जो कि आज के टाइम में बहुत ऐसे मस्ट चीज़ हो गई है, जो भी कोई बाइक लोग लेने जा रहे हैं तो भाई ये चीज़ जरूर देख रहे हैं। तो यहाँ पे हीरो ने वो चीज़ को समझ के यहाँ पे आपको कंप्लीटली एलईडी वाला जो सेटअप है वो दिया। बाकी यहाँ पे आपको हीरो का लोगो यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं आपको बोलूँ तो इस गाड़ी की कंफर्ट आपको बहुत अमेजिंग मिलती है। मतलब इस गाड़ी का जो ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप है, जैसे आप फ्रंट में देख सकते हो भाई KYB का जो आपको USD फोक्स है वो मिलता है एंड रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलती है। तो भाई सस्पेंशन सेटअप मुझे इस वाले बाइक की बहुत अमेजिंग लगती है, क्योंकि सिटी ड्राइविंग के लिए या फिर कभी कभार आप ऐसे लॉन्ग राइड्स के भी आप इस गाड़ी को यूज करोगे ना, तो आपको कंफर्ट के मामले यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट्स नहीं होने वाली है। एंड ऊपर से इस वाले बाइक की हैंडलिंग भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई आपको कंप्लीटली USD जो फोक्स है वो मिल जाते हैं, जिसमें आपको गोल्डन कलर का जो अपना फोक कवर या फिर ये वाली सारी जो एलिमेंट्स है वो आपको गोल्डन कलर मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं इस वाले कलर के साथ बहुत अच्छा मैच कर रही है एंड गाड़ी को बहुत अच्छा जो एक लुक है, एक स्टैंड आउट थोड़ा यहाँ पे बना रहा है, वो सारी एक चीज है। बाकी यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है आगे फ्रंट में डिस्क एंड रियर में डिस्क, आपको दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे फ्रंट टायर्स के बारे में बात करें तो 100x80 70 inches के यहाँ पे आपको जो टायर्स है वो यहाँ पे आपको लगे हुए हैं। एंड इस जगह पे आपको जो 276mm का जो पेडल डिस्क है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी इस वाले बाइक की इंजन के बारे में बात करें तो जैसा मैंने आपको बोला कि हीरो ने इस वाले बाइक में एक बहुत मेजर अपडेट किया है, तो ये अपडेट आपको इस वाले बाइक को जैसे आप चलाओगे तो आपको वो सारी अपडेट जो है वो आपको निकल के आएगा कि भाई हीरो ने सच में यहाँ पे कोई बहुत अच्छा काम करा है। यहाँ पे आपको मिल जाता है 163.2 cc का 4-stroke एयर व्हर्लपूल फोल्ड वाल्व इंजन, जो इसमें आपको 16.9 bhp की पावर एंड 14.6 nm का जो टॉर्क है वो ये वाली इंजन निकाल के देती है। अब ये वाली जब ये एक्सट्रीम जब फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो हीरो ने इस वाले चीज की मार्केटिंग ऐसे करी थी कि भाई ये जो गाड़ी है ये फर्स्ट इन द सेगमेंट है जो 0 to 60 इन 3 seconds में जाती है। बाकी रिफाइनमेंट वगैरह के बारे में जैसा मैंने आपको बोला कि 4 valve होने की वजह से यहाँ पे जो रिफाइनमेंट है वो और ज्यादा यहाँ पे निकल के आया है। बाकी यहाँ पे साइड लुक कुछ आपको इस टाइप की मिलती है। यहाँ पे आपको 160 का जो लोगो है जिसमें आपको रेड, ग्रेइश और मतलब ये वाली कलर ऑप्शन बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा आपको ब्राउन कलर आता है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो भाई, ये वाली भी कलर बहुत ऐसे अमेजिंग लगती है। स्पेशल एडिशन हम जिसे बोल सकते हैं भाई, ये कलर बहुत ऐसे रेयर देखने को मिलता है ब्राउन कलर जो आप देख रहे हो, तो वो एक चीज़ है। बाकी अगर आप लोग को थोड़ा रियर से यहाँ पे करें तो भाई देखो रियर से भी कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा अपग्रेड कराया है। यहाँ पे जो टेल लाइट्स है उसे भी यहाँ पे अपग्रेड कर दिया गया है, जिसमें आपको एक कंप्लीट रेक्टेंगुलर शेप में जो टेल लाइट है वो मिल जाती है, जिसमें आपको ये नॉर्मल DRL है एंड यहाँ पे आपको जो ब्रेक लाइट जब आप यूज़ करोगे, जब ब्रेक्स यूज़ करोगे तो ये वाली लाइट अपनी इल्यूमिनेट होगी। बाकी यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स जैसे मैंने आपको बोला वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको रियर में मिलती है 130x70 R70 inches के टायर्स एंड 220mm का जो पेडल डिस्क है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि डुअल चैनल ABS, तो सेफ्टी के बारे में यहाँ पे कोई भी कंसर्न यहाँ पे आपको नहीं होने वाली। बाकी सीट के हिसाब से अगर आप देखो तो कंफर्ट वगैरह यहाँ पे आपको बहुत अमेजिंग मिलता है एंड राइडर के लिए बहुत अच्छा खासा जो स्पेस है ना वो आपको मिलता है। आपकी जो नी है ना यहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पे ग्रिप करती है, तो जैसे आप इस गाड़ी को थोड़ा कॉर्नरिंग वगैरह करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस वहाँ पे बहुत अच्छा देगा। एंड ऊपर से इस गाड़ी की सस्पेंशन है वो भी आपको बहुत ऐसे अच्छे तरीके से यहाँ पे निकल के आती है, तो वो सारी एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको 12 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। इस वाली गाड़ी की माइलेज भी बहुत अमेजिंग है, यहाँ पे आपको आराम से ये वाली गाड़ी जो है ना 42 से लेके 46 km तक का जो माइलेज है वो ये वाली इंजन आपको निकाल के देती है। बाकी अगर मैं कुछ अपडेटेड फीचर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी ने इसका जो ये अपना LCD पैनल है इसको भी यहाँ पे अपग्रेड करा, क्योंकि पहले से और ज्यादा यहाँ पे ब्राइट हो गया। पहले वाली जो बाइक आती थी उसमें लोगों को दिक्कत होती थी डायरेक्ट सनलाइट में पड़ने में, बट अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड ये अपनी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है, इसमें आपको कॉल रिमाइंडर वगैरह सब कुछ यहाँ पे जो आपको है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे फीचर्स वाइज यहाँ पे आपको मिल जाती है। एंड प्लस यहाँ पे आपको ब्रेक टाइमर भी है, मतलब इसमें आप 0 to 60 km/h वाला जो अपना सारा हिसाब किताब है वो यहाँ पे आप क्लॉक कर सकते हो, या फिर जो क्वार्टर माइल टाइमिंग है वो यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, तो वो सारी एक अच्छी चीज़ है। बाकी अगर आप इस वाले बाइक को कुछ इस लुक से देखोगे इस एंगल पे तो भाई ये वाली बाइक आपको बहुत इंप्रेस करेगी। और हैंडलिंग के बारे में अगर हम बात करें तो इस बाइक की हैंडलिंग भी मुझे अच्छी लगती है, तो मिला जुला के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये हीरो एक्सट्रीम 160R जो है ना आपको कंफर्ट में अच्छा है, हैंडलिंग में अच्छी है,
तो सिटी ड्राइविंग के लिए अगर आप देख रहे हो तो ये वाली बाइक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी स्विच गियर की क्वालिटी आप देख सकते हो भाई, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत टक्टाइल आपको जो फीलिंग है फिट एंड फिनिश में, थोड़ा बहुत वहाँ पे आपको लग सकता है जब आप इस वाले चीज़ को देखोगे कि थोड़ा बहुत आपको फिट एंड फिनिश में वहाँ पे आपको लगेगा कि थोड़ा और बेहतर हो सकता था। बाकी उसके अलावा चीज़ें जो है यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से निकल के आई है। हज़ार्ड वाला फ्लैशर आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मतलब इस वाले सीरीज में, मतलब इस वाले सेगमेंट में, पैनिक ब्रेकिंग वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पे मिलता है। मतलब जैसे आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करोगे तो इसके चारों इंडिकेटर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन हो जाएंगे। वो एक फीचर बहुत अच्छा है, जैसे आप हाईवे वगैरह पे जा रहे हो, आपको सडन कुछ ऐसा ब्रेकिंग करना पड़ता है कुछ चांस की वजह से, कुछ रीजन की वजह से, तो यहाँ पे चारों इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं। पीछे से जो लोग आ रहे हैं ना उनको एक प्रॉपर यहाँ पे इंडिकेशन मिलता है, तो एक चीज अच्छी है। बाकी यहाँ पे आपको 795 mm का जो सीट हाइट है वो मिलता है, तो शॉर्ट राइडर्स के लिए भी ये वाली गाड़ी को चलाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब 5.2-5.3 भी अगर आपकी हाइट है तो आप इस बाइक को चला पाओगे, लेकिन उसके नीचे वाले लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होने हो सकता है। बाकी आपको 165 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पे सफिशिएंट है अगर आप इस गाड़ी को सिटी ड्राइविंग के लिए भी यूज कर रहे हो या फिर कभी कभार आप इस गाड़ी को लेकर थोड़ा ऑफ रोडिंग के लिए भी जाओगे। आपको कुछ ज्यादा वहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपको अंदर इंजन में आपको लग जाएगा। हालांकि इसमें आपको इंजन गार्ड का भी ऑप्शन है तो वो भी आप वहाँ पे इंस्टॉल करा रहे हैं जब आप इस बाइक को लोगे, तो बाकी इस तरफ पे तो आप ये सारी चीजें तो आप अपना देख ही सकते हो। आगे चलिए अब सुन लेते हैं इस वाले बाइक की एग्जॉस्ट नोट आपको कैसे मिलती है। स्टार्ट करते हैं, तो भाई देखो जो मैंने आपको रिफाइनमेंट वाली बातें कही थी ना वो आप इसके एग्जॉस्ट नोट से भी सुन सकते हो। भाई एक रिफाइंड एग्जॉस्ट नोट आपको मिलता है जो कि आपको बहुत ऐसे स्पोर्टी जो साउंड है वो भी करता है। जब आप इस बाइक को थोड़ा सा एग्रेसिवली चलाओगे ना तो एग्जॉस्ट नोट बहुत ही अच्छा प्यारा तरीके से यहाँ पे निकल के आने वाला है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे अगर कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला थोड़ा फिट एंड फिनिश वाली चीज़ें तो वो थोड़ा यहाँ पे और इंप्रूव हो सकती थी। बाकी एज सच मुझे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं लगा इस वाले बाइक में। बाकी ये वाले बाइक में आपको कंफर्ट अच्छा मिल जाता है, हैंडलिंग आपको अच्छी मिल जाती है, लुक्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, काफ़ी अच्छा मतलब जो बल्कि एक जो मस्कुलर लुक है वो आपको मिल जाता है। एंड जब इस गाड़ी को आप रात के टाइम पे देखोगे ना तो आपको एक अच्छा सा लगेगा कि भाई कुछ तो ऐसे भारी बाइक आ रही है, तो वो एक चीज़ है। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके हेडलाइट का एक डिटेल रिव्यू बनाऊँ तो भाई आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी आपको ये वाली बाइक कैसे लगी भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, शेयर करो ये वाली वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि 160cc में एक बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं। एंड फॉलो करो अच्छा मोटोल को इंस्टाग्राम फॉर द डेली रील्स एंड डेली अपडेट्स। एंड बाकी अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, वहाँ पर डेली अपडेट डेली आपको मिलते रहते हैं। तब तक के लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग स्टेट में स्टेट जिससे अच्छा मोटोल साइनिंग।